डालमिया को ये परमिशन किसने दी है 99 साल तक देश के लिए जो झंडे बनेंगे, जो सरकारी कार्यालयों के लिए जो झंडे बनेंगे, सरकारी जगह कोई प्रोग्राम उसके लिए अगर कोई झंडा बनाएगा तो डालमिया बनाएगा, उसका पट्टा किसने दिया? मोदी ने दिया। जब मोदी ने उस पर पैसा ले लिया, ठेका ले लिया, तो झंडा फहराने का अधिकार मोदी को मिला कहां से? और झंडा फहराने का अधिकार हमें किसने दिया? हमारे महान क्रांतिकारियों ने, जिनमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीके दत्त, दुर्गा बाबी, लक्ष्मी बाई, हजारों लाखों लोग ऐसे थे, मौलाना आजाद और अशफाकउल्ला खान, पता नहीं कितने के लोग थे, उन्होंने ये झंडा दिया था हमारे को फ्री में, आजादी उन्होंने दिलाई थी, और हमारे को दिया था कि जो इस देश की गद्दी पे बैठे है इसका मालिक हो, वो इस झंडे को फहरावे, वो ये बनवावे, वो ये तैयार करवावे, जनता के पैसे से झंडा तैयार हो। आज इसने झंडा रखा ही नहीं। रही बात लाल चौक की, इसको आज पावर मिली है, जनता ने दी है, भले ही धोखे में दियो, उस पावर का ये नजायज इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ज्यादा दिन पावर टिकने वाली नहीं है। हिटलर की भी नहीं टिकी, मुरासोली की भी नहीं टिकी, और बहुत से तानाशाह हुए हैं यहाँ, किसी की नहीं टिकी। आज इसका लास्ट वक्त है, लास्ट। तो कहते 2024 में फिर मोदी आएगा। आएगा कहां से आएगा? जनता जी से लाई हुए आएगा ना। ये वो मोदी, मैं आपको बताऊं, जिसकी डिग्री पे जाली का ठप्पा लगा हुआ है, और आज से पहले जो प्राइम मिनिस्टर था, मैं उससे कभी नहीं मिला, मनमोहन सिंह से, जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, अच्छा ब्यूरोक्रेट था, वो सफल राजदूत रहा, सफल विदेश मंत्री रहा, 10 साल सफल प्राइम मिनिस्टर रहा, ये उसको मोनी बाबा बोल सकता है? तो उसको ये 24 कहना कौन सी बड़ी बात है? 24 के लिए तो साल ही एक बचा है, जिसकी पूरी जिंदगी समाज सेवा के सुधार में चली गई, जो बहुत बड़ा अर्थशास्त्री पूरी दुनिया का, उसको बाबा बता सकता है यू? तो ये नहीं बताओ कि 24 कहना कोई बुरी बात उसके लिए? उसके लिए तो मैंने छोटी ही बात, छोटी ऐसी, फिर कह देगा कि ये तो जुमला था। आएगा जब लोग लाएंगे, जिसे लोग चाहेंगे। अब लोग ऊब चुके हैं धर्म की राजनीति से, जात पात की राजनीति से, इलाके की राजनीति से। लोगों को चाहिए काम, लोगों को चाहिए रोजगार, से वो किसान है, मजदूर है, छात्र है, व्यापारी है, कर्मचारी है। लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं ये भी देखी जाती है, कहा जाता है प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं लेकिन जनता के मन की बात नहीं सुनते। बिल्कुल नहीं सुनते, वो अपनी कहते हैं, थोपते हैं। मेरे मन में आया कि बेटी तू यहाँ रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी, चल यहाँ से, तो आपको जाना होगा। ऐसे अपने मन की बात करते हो। अगर तो कहे नहीं अंकल मैं तो यहाँ रहूंगी, इतने लोग खड़े हैं, मैं भी खड़ी हूँ, मैं ये नहीं कहता वो कहा बेटी कोई बात नहीं तू भी खड़ी रहो, ऐसा नहीं है। वो तो कहते नहीं चलो, ये है उसके मन की बात। और किसी का दुख पूछा उसने, किसी एक व्यक्ति का गरीब का इलाज करवाया हो, किसी गरीब का मकान बनाया हो, किसी गरीब को नौकरी दी हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो देश में, कोई यूनिवर्सिटी खड़ी करी हो, कोई डैम बनाया हो। कहते हैं 15 लाख सबके खाते में आएंगे, नौकरियां देंगे, स्वास्थ्य। कब आएंगे? कब आएंगे? 9 साल में। मेरी तरफ मान लीजिए, उस टाइम पे बैंक का 1 लाख रुपया था ना, तो आज 3 गुने हो गए, 3 लाख खड़े हो रोगे मेरा। यही हालात डीजल की है, उस टाइम पे 65 रुपए डीजल का भाव था, आज 100 रुपए डीजल का भाव है। खाद का कट्टा 217 रुपए का था, आज 570 रुपए का है। अब देख लो कहां से आएंगे। झूठ बोलते हैं किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, हर रात को रोजगार देंगे, ये सब उसके बकवास है। सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए रोजगार के दरवाजे खुले हैं। आपने देखा लॉकडाउन में हर एक फैक्ट्री, हर किसान, मजदूर सब गर्क में बैठ गया, लेकिन ये रातों रात अडानी और अंबानी दुनिया के नंबर टॉप 10 की लिस्ट में आ गए। जिनका नंबर 271-272 होता था वो टॉप 10 में कैसे आ गए? क्योंकि उनके पास आमदनी गई गदागद। ये झूठ है, इसकी झूठ बोलने में ये माहिर है। PhD हासिल किया इसने, जैसे मुझे सुना 1980 के दशक में, मैं छोटा था, 10वीं पढ़ता था, उस वक्त कहते थे कि वो भजन लाल राजनीति का PhD है, वो जमाने में होगा राजनीति का PhD, लेकिन यो आज का जमाने में झूठ का PhD है। झूठ से नारा कुछ नहीं है, इसकी नजर में कोई बेटी, कोई बाप, कोई माँ, कोई भाई नहीं है, कोई देश से इसे प्यार नहीं है, क्योंकि देश में इसका है ही नहीं कुछ। किसी का देश में हो वही तो प्यार करेगा। आप इस देश से क्यों प्यार करते? क्योंकि आप यहाँ पैदा हुई है, आपको यहाँ रहना है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, आपकी माँ है, बाप है, भाई भतीजे हैं, इसका है ही नहीं कोई। अच्छा, कई आरोप ऐसे BJP पर लगाए जाते हैं कि ये ED, CBI, इन सब जैसे डिपार्टमेंट्स, ये जो है ये सारे BJP ने अपने पास रखे हुए हैं और अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है, कहाँ तक सच है ये बात? ये पूरे की पूरी सच है। मैं आपको बताऊं, 4-5 महकमे ऐसे हैं जो सरकार के अंडर नहीं होते थे, जैसे चुनाव आयोग, मानव आयोग, राष्ट्रपति, CBI अधीन थी, ED भी थी, लेकिन वो स्वतंत्र थी अपनी जांच करने के लिए किसी के भी खिलाफ करें। आज इनका इतिहास अगर आप देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया पिछले चुनाव में
क्या नाम है 18 के चुनाव में विधानसभा का में कि SYL का पानी हरियाणा को, तो फिर किस बात का सुप्रीम कोर्ट? इसका मतलब एंकर का जबरदस्ती पर फैसला दिलाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले फैसला दिया बेटी वाले पे, FIR दर्ज करो, पैसे को लगी, पकड़ा नहीं गया, किस बात का सुप्रीम कोर्ट? वो आएंगे इसी तरह चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी के पिछले टर्न के 20 MLA को रातों रात बर्खास्त कर दिया, किस बात का चुनाव आयोग, किस बात का सुप्रीम कोर्ट? यही हालात CBI की है। CBI पर अपना तोता बिठा दिया ऐसे पकड़ के, इसको बोल दिया कि इसकी इंक्वायरी करनी है, ये नहीं टोकना, इसको परेशान करना, इसको नहीं, यो कितने डाके मारो, कितने बलात्कार करो, कितने अपहरण करो, कितने रेप करो, इसको कुछ नहीं कहना, तू कुछ कर ना कर, वह बात होगी जैसे पुलिस वाला चलान करता है, और मैं मोटरसाइकिल ले रहा हूँ, मेरे सारे कागज है, सुनो जी मेरे पास सारे कागज है, और मैंने कह दिया लो जी कागज दे लो, बोले चलान तो करना, बोले चलान क्यों करोगे, नहीं बोला मैं तो गलती करें मैं करूँ नहीं, वो काम इसके साथ करती CBI और ED, मैं तो करना करा पड़े तो 2 लाख रुपये का घेर दिया, कह दिया 2 लाख पैके, वो पीछे गए कहाँ जिससे जब्त किए? अगर ED और CBI में इतनी ताकत है तो मैं पूछता हूँ नीरव मोदी को क्यों नहीं लाते, ललित मोदी को क्यों नहीं लाते, मेहुल चौकसी को क्यों नहीं लाते, क्या हमारा अंडरवर्ल्ड में उसमें पूरी दुनिया में हमारे समझौते नहीं है युवनों में, खूब है इंटरपोल की मदद ले हो, पकड़ के ले आओ, उनकी संपत्ति कुरक करो, नहीं करते तो उनका अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों के लिए कुछ नहीं। इससे झूठा प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल से दुनिया में कोई आया नहीं है, और इससे बड़ा तानाशाह भी शायद आज तक कोई नहीं हुआ है, यो हिटलर और मुसोलिनी से बड़ा तानाशाह। आंदोलन जो है वो एक तरफ और दूसरी तरफ बात की जा रही है, या जितने लोग हैं गोदी मीडिया को लेकर जो गुस्सा है लोगों में वो देखा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? तो ऐसे नहीं है, गुस्सा मीडिया है, कोई किसी का है, कोई किसी का है, और जो सही है सच्चाई नहीं छुपा करती कभी भी, और जो ये हो रहा है जो ठीक हो रहा है ऐसी बात नहीं है कोई भी, ये जो है ये इलेक्शन, लेकिन मीडिया जो है वो एक साधन का काम करता है, आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की बात आप लोगों तक पहुंचाता है, क्या लग रहा है एक महीना पूरा हो गया सरकार के कानों में बात क्यों नहीं पहुंच रही है? पहुंच रही है जी, लापरवाही कर रहे हैं, उनका राज है कब तो रहेगा, राज है जो राज है, हमारा जो नेशनल मीडिया वो अपना जमीन बेच चुका है, वो चंद पैसों में बिक जाता है, लेकिन हमारे जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट यूट्यूब पे जो लोग चला रहे हैं वो लोग हमारी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, वो ब्रजभूषण को बचाना चाहती है, वो हमारी बेटियों के साथ अन्याय करना चाहती है, ऐसी सरकार से हमें थू है, मैं ऐसे प्रधानमंत्री को थू थू करता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री भारत में कभी ना हुआ और ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने विदेश में अपना नाम भारत का बनाया है और एक अच्छा पोजीशन हासिल वहाँ पर करी है, क्या कैसे मानते हैं उस चीज को? मोदी तो जहाँ जाते हैं वहाँ के बेटे हो जाते हैं, मोदी के पता नहीं कितने बाप हैं, जहाँ जाएंगे मैं तो यहाँ का बेटा हूँ जी, मैं तो यहाँ का हूँ जी, मैं तो पंजाब का बेटा हूँ, हर जगह के बेटे पता नहीं इनके तो कितने बाप हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है, बहुरूपी प्रधानमंत्री जो कोई प्रधानमंत्री है जहाँ जाता है वहाँ रूप बदल लेता है। आप क्या कहेंगे ये आंदोलन और आगे और कितना बढ़ सकता है, पहलवानों को न्याय मिलेगा लग रहा है? मिलेगा ही मिलेगा, हाँ सच्चाई नहीं छुपा करती, सच्चाई छुप नहीं सकती, झूठे वसूलों से खसबो आ नहीं सकती, कागज के न्याय, और ये एक दिन न्याय होगा, पब्लिक आ जाएगी, दिल्ली को बंद कर दिया जाएगा, नहीं ये बसों में लिखवाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये बेटियों का क्या हाल हो रहा है, इसको जेल में कौन घेरते? प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं बोल रहे पहलवानों के लिए? क्यों नहीं बोल रहे हैं वो, नाम गिर रहे हैं, तरक्की ब्रजभूषण में अगर कहा अगर मैं पकड़ा गया तो भूचाल आ जाएगा, इसका मतलब ये सब मिले जुले हैं, अगर ब्रजभूषण को सजा हुई या ब्रजभूषण पकड़ा गया तो प्रधानमंत्री की पोल खोल दी जाएगी, जितने चिट्ठे हैं प्रधानमंत्री के सारे खोल दिए जाएंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद वहाँ जेल जाना पड़े, तो प्रधानमंत्री डरते हैं, अगर नहीं डरते तो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी करवा के दिखाएं। एक सांसद में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि प्रधानमंत्री को चुनौती दे? अरे ब्रजभूषण में इतनी ताकत नहीं है, सरकार की ताकत है, प्रधानमंत्री उसे स्वयं बचा रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री ठीक है साफ है, अगर वो साफ छवि के हैं तो ब्रजभूषण को क्यों नहीं गिरफ्तार कराते? आज एक महीना हो गया, एक महीने से यहाँ पर ये सड़कों पे पड़े हैं, प्रधानमंत्री को अच्छा लग रहा है? हम भारत के नागरिक हैं, हम देशभक्त हैं, देशभक्त को यहाँ पर पढ़ना चाहिए, ये खिलाड़ी हमारे देश का सम्मान लहराते हैं, विदेशों में आके तिरंगा लहराते हैं, आज वो सड़कों पे हैं, प्रधानमंत्री शर्म नहीं आती है? लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है देश में, तो आप अपने आप को क्या समझते? हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, हम देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए मरते हैं, हम किसान के बेटे हैं,
तो प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि मैं देश का बेटा हूँ, लाल चौक पर झंडा लहराता हूँ। अरे वो चौकीदार हैं, प्रधानमंत्री ने ये भी तो कहा मैं चौकीदार हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो फकीर आदमी झोला लेकर निकल चलूंगा। प्रधानमंत्री क्यों नहीं निकल जाएंगे? प्रधानमंत्री तो देश को बेच कर निकल जाएंगे। वो तो कहते हैं अरे मैं तो भैया फकीर आदमी हूँ, झोला डंडा लेकर निकल चलूंगा। लाल किला झंडा लगा, लाल किला के भी क्यों तो रखा है, किसी क्या फर्ज है उसका लाल फहराने का? वो तो है नहीं, जब हमारा वो दूसरे का हो रहा है, भी रखना हाल पट्टे पे झंडा कहीं फहरा सकता उस पर, नहीं चौका झंडा फहराता उस पर, कोई सभ्यता नहीं है उसमें झंडा फहराने, कोई काबिलियत नहीं है वहाँ फहराने की। जब वो डालमिया को दे दिया झंडा हाल पट्टे पर, तो कोई मारा राइट नहीं उस पर, कोई राइट है क्या? आप बताओ, जब वो गिर भी धरती है तो राइट क्या रहेगा हमारा? मैंने एक गिर भी धरती है, मेरा कोई हक नहीं उस पर जाने का, उसका झंडा फहराना कोई हक नहीं है। प्रधानमंत्री का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। जब उसको गिर भी दिया था उस जगह को, गिर भी रखा है झंडा पट्टे पे, किसने दिया झंडा तिरंगा? कर्नाटक में आ रहे, कितनी बुरी क्रिया रहे कर्नाटक में आ रही, कितनी बुरी क्रिया रही है। क्या साल रहा तीन का था, सारे का ऐसे होगा, और हरियाणा में होगा ना नकल में बात करता। एक नवीन जैन है जो कि पूरी फौज ले रहे हैं, आप जो परशुराम है उसका मंदिर बनाएगा, परशुराम में जा रहा था और वो भी इसको बदलेगा, वो भी यहाँ था, धन्यवाद था। और जी मैं एक क्या लग रहा है पहलवानों का जो समर्थन, या तमाम राजनेता आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी में स्मृति ईरानी है, मीनाक्षी लेखी है, बहुत सारी महिला सांसद है जो नहीं आ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? वो ये रोक रहे हैं उसको, ऐसी बात नहीं, उनमें कोई भी आदमी नहीं, अगर ब्रजभूषण में कमी नहीं होती तो यहाँ सबसे पहले आता, मानो बात नहीं, उसमें कमी होती, कमी नहीं होती तो सबसे पहले आता, तो उसको रोक लिया जा रहा है, वो पैसे वाला आदमी है।